मैं काफ़ी नीचे से सीढ़ियों से ऊपर आई हूँ। अभी ये है पुट पुट गोल्फ। यहाँ काफ़ी हाइट्स पे काफ़ी सारे रूम्स हैं, सो आप देख सकते हो। मैं काफ़ी नीचे से आ रही हूँ। दीज आर द स्टेयर्स। बहुत सारी जगह से स्टेयर्स हैं, यहाँ से भी हैं, इस तरफ से भी हैं, रूम्स भी हैं। ओके, और अभी हम पुट गोल्फ में देखते हैं क्या है। आई डोंट नो। पुट गोल्फ वेरी नाइस। दीज आर द, ये है पुट गोल्फ, तुम देख सकते हो। ये प्लेस काफी हिल में है, इसलिए इट्स वेरी टायरिंग। जिनको सीढ़ी चढ़ने की आदत नहीं है ना, वो थोड़े में थक जाएंगे। अभी मैं और ऊपर जाऊंगी, देख के आती हूँ ऊपर तक क्या है। कुछ अच्छा दिखा तो आई विल गेट बैक टू यू। ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ जो उतरते ही मेरे रूम के बाहर ही टैक्सी अवेलेबल है। अब यहाँ से देखती हूँ मेन रोड में ये क्या है। यहाँ का सीनिक ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा अपहिल में जाने की कोशिश करती हूँ, ऊपर कभी गई नहीं, डाउन हिल ही गई हूँ। आज पहली बार अपहिल जा रही हूँ। पहले सीढ़ियों से गई थी, अब थोड़ा रोड साइड ले रही हूँ। आई थिंक वही जगह है जो आपको मैंने रोड दिखाई थी, ऊपर को ज्वाइन करता है ये। ऊपर तक आ गई हूँ एंड यहाँ भी ये जो रोड है, ये ऊपर तक आने के लिए गाड़ियों से इस रोड को बनाया गया है। तो मैं तो सीढ़ियों से आ रही हूँ। जो भी टूरिस्ट हैं वो इस गाड़ी से आते हैं। मैं आपको अभी शो कर रही हूँ। ये वाली गाड़ी ऊपर लेके आती है जो भी रिजॉर्ट में टूरिस्ट आ रहे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारे काफ़ी ऊपर तक रूम्स हैं, बहुत ज़्यादा एरिया लेके। अब हम जा रहे हैं उस एरिया में जहाँ पे बच्चों का एक्टिविटी एरिया है, आउटडोर एक्टिविटी। अभी शायद उस एरिया में कुछ रिनोवेशन चल रहा है, आई डोंट नो, बट आपको बोर्ड दिखा देती हूँ। और ऊपर कुछ हैंगिंग रोप्स हैं, यू कैन सी। ये हैंगिंग रोप्स और ये बोर्ड, ये सारी एक्टिविटीज हैं यहाँ पे। एडवेंचर एक्टिविटीज। नाउ मैं थोड़ा सा ऊपर जाती हूँ देखने के लिए और क्या क्या है यहाँ पे। मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा, और यहाँ कोई एक्टिविटी चल भी नहीं रही है फिलहाल तो, इसलिए हम वापस जा रहे हैं उस तरफ जहाँ पर ट्री हाउस है।
ट्री हाउस आते ही मैं फिर आपको शो करूंगी। तब तक के लिए बाय। ইন্টারভিউ স্নেহময় বিশ্বাস, এবার আপনি বলুন আপনার কিরম এক্সপিরিয়েন্স ইন মুনার? অপূর্ব, অদ্ভুত। অদ্ভুত একটু ডেসক্রাইব করো। কি ডেসক্রাইব করব, আমার তো যা ডেসক্রাইব করি সেটা লিখে হলে ভালো হয়, তাই লেখার চেষ্টা করছি। যখন অবসর সময়ে বসবো, তখন যদি কেউ আসে জিজ্ঞেস করে, তখন পড়ে শোনাতে আমার ভালোই লাগবে। যখন যা মনে আসছে সুযোগে সময়ে আমি এটা লিখে রাখার চেষ্টা করছি। আর এখানে আবহাওয়া কেমন লাগলো? মুক্ত হাওয়া, এত সুন্দর, পলিউশন মুক্ত, পলিউশন ফ্রি অ্যাটমসফিয়ার। আর আউটিং কেমন লাগলো? আউটিং খুব ভালো লেগেছে। আউটিংয়ে আমাদের মনে মতো ড্রাইভারও পেয়ে গেলাম, তাই ওকে নিয়ে ঘুরলো, আমাদের নিয়ে ঘুরলো, আর ভালোই লেগেছে। এখনও ভালো লাগা চলছে, আরও দুদিন থাকতে হবে, দেখি। আর খাওয়া দাওয়া? খাওয়া দাওয়া করব, কিন্তু আর কি, ঠিক আছে। এখন খাওয়া দাওয়া তো ঠিক আছে, খাওয়া দাওয়ার পরে যে বিলটা আসবে সেটা আরো বেশি মানে না, বিলের তো আমাকে চিন্তা করতে হবে না, কিন্তু এনজয় হচ্ছে মেন। আর তাহলে ঠিক আছে, তুমি যখন সুযোগ পেয়েছো এখানে লেখো, আপনার ইন্টারভিউ এখানে শেষ হচ্ছে। ধন্যবাদ।